भगवा संगठन से एक और अभिनेत्री राजनीति में आ सकती है। इशारों ही इशारों में फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में 80 के दशक की अभिनेत्री पूनम ढिल्लो ने कहा, ऑनेस्ट लोगों को राजनीति में आना चाहिए। पूनम एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल जयपुर आई थी। पूनम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पिंक सिटी में फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पूनम जी, आप इंडस्ट्री में आई, पहले आप डॉक्टर बनना चाहती थी, आपने बहुत संघर्ष किया, इसके बारे में छोटा सा स्वीट सा जल्दी से बताइए। देखिए, बचपन में सब लोग सपने देखते हैं, मैं ये बनूंगी वो बनूंगी। मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी और भगवान की कुछ मर्जी और थी मुझे इस इंडस्ट्री में आने की, शायद डेस्टिनी थी। मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों डॉक्टर्स बने और जो मैं एक्चुअली चाहती थी बनना मैं नहीं बन पाई। बट ये सब कहने के बाद मैं ये कहूँगी मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है उस बात का। मैं आप सोशल सर्विस भी करना चाहती थी मुंबई के अंदर, माया नगरी मुंबई के अंदर, तब प्रॉब्लम है ग्रीनरी नहीं है। आप कई बार सीन सेवरल टाइम कि आप चंडीगढ़ वगैरह जाती हैं, आपने कुछ ऐसा किया है ग्रीनरी के जिससे आप लोगों को संदेश देना चाहिए? मुझे बहुत बहुत अफसोस होता है और मैं ये कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ आर सिटी मुंबई से मुझे बहुत अफसोस है। और कुछ साल पहले हमारे यहाँ फ्लड्स हुए थे क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं मुंबई में। तो मैं सबको कहना चाहती थी और कई जगह मैंने कहा भी आके कि देखिए, हम सारे शहर को कॉन्क्रीट बना देंगे, सड़कों को, गार्डन्स को, फुटपाथ्स को, तो जो नेचुरल साइकिल होता है पानी का ज़मीन में जाके फिर से ऊपर जाने का, वेयर इज़ द वाटर गोइंग टू गो? सारा पानी समुंदर में चला जाता है, सैलिनेशन हो जाती है, तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम हो जाती है।